भाई जा रहा है पोचिंग की मोड़ गए थे यहाँ पे लैंडिंग करते टाइम हम लोग को कोई भी बंदा नहीं देखता है। पता नहीं बंदे अचानक से कहाँ से प्रकट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग की लैंडिंग हो चुकी है और गाइस यहाँ से हम लोग को मिल जाएगी एक डबल बैरल। और गाइस बंदे आ चुके थे तो इन लोग को ठिलाना है हम लोग को अच्छे से। और गाइस बंदा राइट साइड पर एक ट्रिपल स्टोर पर गया था, एक राइट साइड कहीं भाग गया था यहाँ से लूट के। तो पहले यहाँ पर लूट लेते हैं गाइस, यहाँ पर हम लोग पास लूट अच्छी खासी नहीं थी। और गाइस बंदे का फुटप्रिंट आया था ट्रिपल स्टोरी में से, अभी भी वो ट्रिपल स्टोरी में था। और गाइस मैं इस पर हिट करने की कोशिश करता हूँ पर थाला बच जाता है, तो सीधे घुस के मारते हैं, उस पर अभी गन नहीं है। और गाइस यहाँ से हम लोग को अंदर से मिल जाएगी AKM। और गाइस बंदा आ चुका था, उसको पहलते हैं फिर। फाइनली गाइस इस बंदे को हम लोग इजीली नॉकआउट कर देते हैं और इसको पूरा भी खा जाएंगे। तो गाइस आएंगे तब और भी बंदे थे, यहाँ से मेरे को फायरिंग का साउंड आया था तो पहलते उन बंदों को भी। और बंदे मेरे को दिख चुके थे सामने, तब घर में थे। तो साला बच जाता है, स्प्रे देता हूँ मैं। और गाइस इनमें से मैं एक बंदा नॉकआउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक नॉकआउट हो चुका था, सीधा पुश करते हैं उन लोग के ऊपर और इसको पूरा खा जाएंगे। तो गाइस एक बंदा राइट साइड में था, एक लेफ्ट में था और लेफ्ट वाले को पहले पेलते हैं। फाइनली गाइस इस बंदे को नॉकआउट कर देते हैं और फाइनली गाइस ये पूरी स्क्वाड वाइप हो जाते हैं यहाँ पे, बहुत इजी फिनिश हो जाते हैं साले ख़त्म। गाइस यहाँ से आगे दफा आया था बॉट का साउंड, तो उसको पेलते हैं। तो गाइस सामने तरफ कुछ बंदों ने चलाई थी फ्लेगन, तो इन लोग पे आ जाते हैं, तो इनको पेलते हैं। और बेचारे के साथ स्कैम हो गया गाइस, ये सामने लेट ही पाया तब तक इसको मैंने गाड़ी से इसको चल दिया। इसका दूसरा बंदा ड्रॉप के पास था, इसको पेलते हैं। फाइनली गाइस इस बंदे को जंप एंड शूट करके फिनिश कर देंगे और गाइस यहाँ पे स्पॉट पूरी वाइप हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे पहले एक स्मोक कर देते हैं जिससे कहीं से भी पड़ सकती, क्या पता है सामने एक बॉट आए थे इसको मार देते हैं। यहाँ से मिल जाएगी हम लोग को ऑक। तो गाइस आप लोग एक कमेंट में चीज़ बताना कि आपकी ऑक फेवरेट गन है कि नहीं, आप लोग को कैसी लगती है ऑक चलाने में। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं पहले। तो गाइस सामने तो एक ड्रॉप था, तो ड्रॉप से एक बग्गी कोई बंदा लूट के जा रहा था और गाइस ये ऑल पे बात भी कर रहा था मेरे से। सही गाइस ये ऑल पे फाइट करके बात करके चल रहा था जहाँ भी जा रहा था। तो गाइस ये बंदा भाग चुका और इसका पीछा करते हैं साले का। इस बंदे का टीममेट मेरे ऊपर ऐसे फायरिंग कर रहा है जैसे मैं इससे बहुत पुरानी दुश्मनी हो। और गाइस इसका ये टीममेट था ये बग्गी वाले का। तो गाइस इन लोग को पेलना है हम लोग को, तो इन लोग को क्लोज में चलते हैं फिर इन लोग को पेलते हैं। गाइस बंदों के पैर आ चुके थे मेरे को, तो यहाँ पे ये बिल्डिंग मेरे रेड वाली, तो यहाँ पे मैं नेट करता हूँ, देखते हैं नेट से कितने नॉकआउट होते हैं। बट गाइस वाली नेट में कोई फ़ायदा नहीं होता है। और गाइस ये बंदे इतने कैंप पर थे गाइस, क्या ही बोलूँ, बहुत कैंप लगाए थे ये बंदे। मैं नेट फेंका, फेंक मचा था और गाइस ये आगे पीछे भागा भाग मचे थे। और गाइस मैंने यहाँ पे ठान लिए थे कि इनको नेट से ही मारना चाहे कुछ भी हो। आजा दोनों ऐसे ही मर जाएंगे नीचे चल। गाइस क्या ही बातचीत चल रही है,
इन लोग को खुद ही डर लग रहा है कि जबकि मैं अकेला हूँ और ये दो बंदे हैं एक साथ, तो भी सारे इन लोग को डर लग रहा है कहीं मैं ही ना मर जाऊँ। यहाँ पे हम लोग पे एक ही ग्रेनेड बचा था, तो गाइस इस ग्रेनेड का अच्छे से प्रयोग करना है। तो हम लोग यहाँ पे पीछे जाके नेट पे गए हैं, तो यहाँ से अच्छा व्यू मिलेगा। और गाइस ये वाले नेट के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो बूम गाइस यहाँ पे एक बंदा नॉकआउट हो चुका था, तो अब सीधा पुश करते हैं इन बंदों पे। फाइनली गाइस इन बंदों को भी पेल दिया हम लोगों ने बहुत इजीली। यहाँ पे लूटते हैं, फिर गाइस यहाँ पे आगे एक पूरी स्क्वाड मेरे ऊपर रश कर देगी। तो गाइस यहाँ पे देखना उन लोगों को कैसे बढ़ते हैं। हमको अकेला समझ के सीधा पुश कर रहे थे ओपन में आके, तो यहाँ पे इनके हमने तीन बंदे ठेला दिए थे। इनका लास्ट बंदा तो वो गाड़ी के पीछे था, तो उसको भी पेलते। फाइनली गाइस यहाँ पे ये पूरी स्क्वाड वाइप करती है। और गाइस इस क्लच के लिए एक एक लाइक एंड सब्सक्राइब हो जाने चाहिए चैनल पे। और मैं यहाँ पे बंदे ढूंढ ही रहा था, वो बंदों की तलाश में बहुत ज़्यादा खोज करके आया था हर जगह से। तो गाइस यहाँ पे बंदे मिलते भी हैं मेरे को, और मेरे को अच्छे खासे किल्स भी मिल जाएंगे इस जगह पे। और गाइस यहाँ पे लेफ्ट में मेरे को गाड़ी दिख चुकी थी, तो सबसे पहले उस गाड़ी वाले को बढ़ते हैं। फाइनली गाइस इस बंदे को नॉकआउट कर देता हूँ, और इसको मैं पूरे खाने की कोशिश करता हूँ, पर बच जाएगा। और इतने में इसका टीममेट आ जाता है पीछे, तो मेरे को मारने लगता है। और गाइस बहुत डैमेज था इसका बंदा, बहुत ही ज़्यादा। और गाइस इसको बाद में भी बहुत हिट लगे थे, पर बच जाता है। कोई नहीं, इसका बंदा मैं पूरा खाऊंगा जाके। मैंने सोचा था कि इस बंदे को पैन से फिनिश करेंगे, पर गाइस ये पहुंचने से पहले ही मर जाता है सुअर का औलाद। और गाइस यहाँ पे इतने मेरे को यहाँ पे इससे मिल जाती है लेवल से एकदम ताज़ी फ्रेश बेस्ट। तो गाइस यहाँ पे लेफ्ट साइड और बंदे बहुत भयंकर तरीके से लड़ रहे थे, तो इन सबको पेलना था। और मैं यहाँ पे एक बंदे को नॉकआउट कर देता हूँ। और गाइस सामने वाले पे था टिका 98, और मेरे को डर लग रहा था कहीं मेरे को हेडशॉट ना मार दे, डर लग रहा था बहुत ज़्यादा ही। के बंदे को मूविंग फायरिंग कर रहा था, जिससे कहीं मेरे को हेडशॉट पड़े ना। और गाइस एक बंदा और नॉकआउट कर देता, पर दूसरी स्क्वाड ने उनको फिनिश कर दिया था। और गाइस एक एच पी बचा था, तो इसको नॉकआउट करते हैं फिर से। तो गाइस इस बंदे को भी मैं नॉकआउट कर देता हूँ। एक दूसरा बंदा सामने लेटा था, पर पता नहीं कहाँ गए, जादू से गायब हो गया। और गाइस यहाँ पे मेरी हाई रिच पे जाके चेक ही कर रहे थे कि बंदा कहीं दिख जाए, पर देखिए। यहाँ पे मैं फायरिंग रेटो पर साल बच जाता है, और एक दूसरा बंदा मेरे को फायरिंग कर रहा है, उसको पेलते हैं। फाइनली गाइस इस बंदे को मैं नॉकआउट कर देता हूँ, पूरा खा जाऊंगा साले को। और गाइस यहाँ पे देखना, अपने से गलत सीन हो गया, एमओ खत्म हो गया हमारी एप का। अब हम लोग को M7+6 तक चलाना पड़ेगा, जो मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और गाइस वहाँ पे उन बंदों को हिट भी लगा था, एक दो हिट लगा था, तो सीधा पुश करते हैं उन लोग के ऊपर, क्योंकि हमारी ऑग में एमओ नहीं। और गाइस यहाँ पे मैं क्लोज ही फाइट जीत पाऊँगा, और दूर की फाइट तो नहीं जीत पाऊँगा। और बंदे आगे तब रुक भी गए थे, तो उन लोग को पेलना है। और गाइस यहाँ पे मेरी दोनों बंदे एक साथ ही मर जाते हैं, पता नहीं कैसे, शायद एक ही एच पी थे दोनों ही।
गाइस यहाँ पे मैं आता हूँ। यहाँ पे दो स्क्वाड आगे लड़ रही थी आपस में। तो गाइस यहाँ पे एक बंदा छत पे दिखता है, उस बंदे को पेलते हैं। और गाइस यहाँ पे इस बंदे का मेरे को किल भी मिल जाता है, इसका मतलब एक स्क्वाड पूरी वाइप हो चुकी है। और गाइस यहाँ पे एक पूरी स्क्वाड थी अंदर, तो मैं यहाँ पे नेडिंग करता हूँ जिससे कोई एक ही नॉकआउट हो जाए। और मैंने फिर से यही कसम खाई थी कि बंदे को नेट से ही मारना है, तो मैंने यहाँ पे नेट की बरसात कर दी। इतने नेट मारे कि ये लोग खुद कन्फ्यूज हो गए क्या करें क्या ना करें। नेट पे नेट फेंक रहा था मैं, पूरे 5 के नेट थे हमारे पास। जब तक मैं एक बंदे को ग्रेनेड से नॉकआउट नहीं कर दूंगा तब तक मैं पुश नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे एक पूरी स्क्वाड बैठी थी अंदर। और गाइस बहुत गंदा वाले कैंप लगा के बैठी थी, क्या ही बताऊँ। और ये वाला भी नेट फेल हो जाता है हम लोग का, पर कोई नहीं गाइस, यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रेनेड अभी भी थे। और गाइस इन दोनों में से मेरे को कुछ ना कुछ तो जादू करके दिखाना ही है, तो यहाँ पे मैं पीछे आता हूँ। अभी यहाँ से नेट फेंकेंगे। और गाइस यहाँ पे बंदों के पैर आए थे छत पे से, तो यहाँ पे पहले एक नेट करते हैं। वाला नेट फेल होने वाला है। और गाइस वाला नेट इतना प्यारा नेट है क्या ही बताऊँ गाइस, इस नेट के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब होना चाहिए। गाइस इस वाई नेट से बंदे दो दो फट जाते हैं एक साथ, तो फिर क्या था, सीधा पुश करना था इन लोगों के ऊपर। यहाँ पे मैं एक बंदा और नॉकआउट कर देता हूँ, अब लास्ट था ऊपर, तो सीधा पुश करते हैं। और गाइस यहाँ पे रिवाइविंग चल रही थी बहुत खतरनाक तरीके से। और गाइस यहाँ पे मैं गाड़ी घुमा घुमा के चेक करता था कहीं मिल जाए बंदा, और गाइस बंदा दिख भी जाता है। और गाइस ये बंदा मेरे को फायरिंग करने के मोड में नहीं था, शायद से ऑफलाइन लेट आए और एकदम से होश में आ जाता है जैसे ही मैं इसको उठा देता हूँ। लेटे से सो रहा था ना, उसको जगा दिया गाइस, एकदम से उठ गया। और गाइस पेल ले थे इस बंदे को भी बहुत ईजली। अब वन वी वन की सिचुएशन थी गाइस, यहाँ पे एक ड्रिंक मारते हैं। और गाइस बंदे का फुटस्टेप आ चुके थे, बंदा यहाँ पे नीचे था पानी से तैर तैर के जोन की तरफ आ रहा था। तो पहले इस बंदे को भी और चिकन डिनर निकालते हैं, चिकन डिनर विनर विनर वाला। फाइनली गाइस इस बंदे को भी पहले तो हम लोग का हो चुका है विनर विनर चिकन डिनर। और गाइस वीडियो में कहीं भी कुछ अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि गाइस अभी चैनल को सपोर्ट की जरूरत बहुत ज़्यादा है। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।